की वजह से बिगड़ते हालात के बीच अब तक देश के कई राज्यों ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में हर दिन हजारों लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कई तरह के एहतियाती कदम उठाते हुए कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है। एक और बड़ी बात आपको बता दूं, अब सवाल ये भी होगा कि कब होंगी ये परीक्षाएं। अगर हम खुश नहीं हैं जो हमारे नंबर आए हैं, जो मूल्यांकन हुआ है उससे, तो इसका जवाब अभी नहीं मिल पाया है। कारण ये है कि सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि जब स्थितियां सामान्य होंगी, क्योंकि अभी कोरोना काल है, इसी डर से पेरेंट्स चाहते थे कि परीक्षाएं ना हो, इन्हें रद्द किया जाए, तो जब स्थितियां सामान्य होंगी तो परीक्षाएं करवाई जाएंगी। अगर स्थितियां सामान्य नहीं होती है, इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि कोई तिथि निर्धारित नहीं है और हो सकता है कि ये परीक्षाएं ना हों, क्योंकि अभी भर्ती केसेस हैं, तो शायद वो समय, वो सुअवसर CBSE या ICSE को ना मिल पाए और ऐसे में ये जो वैकल्पिक परीक्षाएं हैं वो ना हों। एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अपना रिजल्ट आने के बाद इस बात से खुश नहीं हैं कि असेसमेंट के आधार पर जो आपको स्कोरिंग दी गई है वो ठीक नहीं है और आप चाहते हैं वैकल्पिक परीक्षा में बैठना, तो फिर मानिए हो भी गया वैकल्पिक परीक्षा, तो वो जो वैकल्पिक परीक्षा का आपका नंबर आया है वही आपका फाइनल नंबर होगा, उसी आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। मानिए वो आपकी परीक्षा खराब चली गई और अब आप चाहते हैं कि नहीं, जो पहले नंबर आए थे असेसमेंट के आधार पर, स्कोरिंग जो आपको दी गई थी वही लागू की जाए, वही मान्य हो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने वैकल्पिक परीक्षा दी तो वैकल्पिक परीक्षा के ही रिजल्ट्स के आधार पर जो मूल्यांकन होगा उसी आधार पर आपका रिजल्ट सामने आएगा, लेकिन बहुत ऐसी कम संभावनाएं हैं कि वैकल्पिक परीक्षा हो।